Hello guys, my name is Rishika and I'm back with lecture 6 of the series Frontend Web Development, and today we're gonna learn about forms in HTML. So without any further ado, let's get started. Last video में guys हमने forms बनाना सीखा था. ये हमारा form है और आप सोच रहे होंगे line line कैसे आ गई. चिंता मत करिए, ये मैंने हॉरिजॉन्टल रूलर की वजह से आपको ये लाइन दिख रही है. ये होता है हॉरिजॉन्टल रूलर. टंग ट्विस्ट हो जाती है. हॉरिजॉन्टल रूलर, इसको कमेंट कर देती हूँ, दोबारा ऐड करना पड़ेगा. तो इसकी वजह से ये लाइन ऐड हो जाती है. ये मैंने इसलिए ऐड करी क्योंकि मुझे अपना पेज बहुत क्लमजी सा लग रहा था. So I thought of adding this line. आज हम देखने वाले हैं कि फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं. तो जब हम एक्सटर्नल लिंक सीख रहे थे तब हमने एक पेज 2 बनाया था जिसमें हमने ये लॉरेम पिप से मैट किया था. इसको मैं बंद कर देती हूँ. एंड वी रन दिस पेज CTRL F5 क्रोम प्रिव्यू. तो हमने ये पेज बनाया था. बट अब हम इसमें फॉर्म बनाने वाले हैं तो इसको नेम दे देते हैं जल्दी से, फॉर्म पेज. लॉरेम पिप्सम तो आपको ऐड करना आ ही गया है, राइट. तो अब हम बनाते हैं फॉर्म. इस पेज की हेडिंग देते हैं H1, एंटर H1. प्लीज फिल दिस फॉर्म, फिल दिस फॉर्म, फिल दिस फॉर्म, फिल दिस फॉर्म. ओके, अब फॉर्म कैसे क्रिएट होगा? यूजिंग फॉर्म टैग. सो विल टाइप FORM फॉर्म, एंटर. एंड एक्शन में जो भी आपका एंड पॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल आपके फोन फॉर्म में जैसे कोई इंफॉर्मेशन है, नेम, क्लास, रोल नंबर वगैरह फॉर एग्जांपल, तो ये डेटा जो आप एंटर करोगे तो वो कहाँ जाने वाला है वो एक्शन डिसाइड करता है. तो ये क्योंकि बैकएंड का पार्ट होता है सो वील नॉट बी डिस्कसिंग दिस राइट नाउ. हम अभी फ्रंट एंड के ही बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले तो सबका नेम जानना बहुत जरूरी होता है. तो आई राइट डिव टैग. डिव टैग इज वेरी हेल्पफुल व्हेन वी लाइक डू CSS स्टाइलिंग शीट्स का जब यूज करते हैं तब ये काफी हेल्पफुल रहता है. और हम देंगे लेबल, लेबल फॉर नेम, नेम. एंड हियर वी राइट नेम, NAME नेम. एंड यहाँ पे अब हम इनपुट लेंगे यूजर से. इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा ये. इनपुट टाइप टेक्स्ट. और ये जो है फॉर, जो इसका लेबल है वही नेम यहाँ पे भी आएगा. इतने को रन करके देखते हैं. सी, तो यहाँ पे मैं नेम लिख सकती हूँ अपना. सिमिलरली वील क्रिएट मोर टैग्स लाइक दिस. डेव, एंटर. और क्या एंटर करवा सकते हैं? ओके, ऐसे ही आप जैसे आपने नेम एंटर करवाया जो भी आपके अल्फाबेटिकल वैल्यूज होती हैं वो आप ऐसे ही एंटर करवा सकते हो. यहाँ पे बहुत सारे, अगर आप देखोगे बहुत सारे आपको चीज़ें दिखेंगी. ईमेल करवा सकते हो, डेट टाइम करवा सकते हो. एक बार ये करके देखते हैं. डेट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इसमें अभी मैंने कोई लेबल नहीं दिया बट यू कैन गिव द लेबल ऑल्सो. वी रिफ्रेश द पेज, डेट टाइम आ गया. और ये कैलेंडर है, यहाँ से आप डेट वगैरह चूज कर सकते हो. सो दिस इज फॉर योर पर्पस एंड आई कमेंट दिस. Dev, enter. मैं सोच रही हूँ कि हम अपने पेज में क्या ऐड करेंगे. जेंडर ऐड करेंगे बिकॉज मुझे जानना है कि मेरे पेज में जो व्यूज आ रहे हैं किस जेंडर से ज्यादा आ रहे हैं. लेबल, लेबल फॉर जेंडर. एंड हियर वी राइट जेंडर. इनपुट, इनपुट टाइप जो होगा वो हमारा होगा इनपुट
रेडियो, एंटर। रेडियो नेम क्योंकि ये जेंडर है सो आई विल गिव इट जेंडर। एंड यहाँ पे आप सबके अलग अलग भी लेबल्स दे सकते हो, बट मैं थोड़े अपने इजी काम के लिए यहाँ पे सबको एक एक नेम दे देती हूँ। मेल, फीमेल, अदर्स, एंड सबके आगे हमें एक एक रेडियो बटन चाहिए, तो आई विल कॉपी पेस्ट दिस। वी रिफ्रेश अ फॉर्म, सी जेंडर आ गया, ये इसको कैपिटल कर देते हैं जल्दी से। सो अब इससे क्या, इससे ये होगा, एक बी आर टैग भी दे देते हैं ताकि हमारा फॉर्म थोड़ा सुंदर लगे। इससे ये होगा कि आप इन तीनों को सेलेक्ट नहीं कर सकते, इनमें से किसी एक को ही सेलेक्ट कर सकते हो। और डिव टैग मैंने मेनली इसलिए दिया था यहाँ पे क्योंकि स्पेसिंग हमें प्रॉपर मिल जाएगी, थोड़ा हमारा फॉर्म नीट एंड टाइडी लगेगा। तो हर डिव टैग के बाद बी आर टैग दे देते हैं, बी आर। एंड वॉट आई वॉन्ट टू एड इज अगैन वन मोर डिव टैग। अब हम चेकबॉक्स देखते हैं, चेकबॉक्स कैसे ऐड करते हैं। तो I'll give, I'll write a text p, select your favorite characters, select your favorite characters, okay, and we give the PR tag. एंड इनपुट में हम लेंगे चेकबॉक्स, इनपुट टाइप इज चेकबॉक्स। चेकबॉक्स में हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेम दे देते हैं डेमन, डेमन बी आर, सबके आगे बी आर दे दो और यही लाइन मैं कॉपी कर देती हूँ। रिफ्रेश करते हैं तो ये आ गया सेलेक्ट योर फेवरेट करेक्टर। अब इससे ये होगा कि आप इसमें आपको जितने करेक्टर सेलेक्ट करने हैं आप वो कर सकते हो। एंड देन वी हैव फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू नो वाई दे लाइक द सेलेक्टेड करेक्टर्स, सो आई विल आस्क माय व्यूअर्स टू I'll ask my viewers to write something about the characters they like. So let's say P. Why do you like these characters? The selected characters. The selected करेक्टर्स, ओके। तो यहाँ पे मैं उनको टेक्स्ट एरिया दे दूंगी, टेक्स्ट एरिया। और यहाँ पे नेम हमें देना तब जरूरी होता है जब वी आर यूजिंग लाइक बैकएंड, ताकि पर्टिकुलर वैल्यू लाइक नेम के आगे, नेम के कॉलम में नेम्स जाएं, जेंडर के कॉलम में जेंडर जाएं, चेकबॉक्स के कॉलम में चेकबॉक्स जाए। तो नेम देना तब जरूरी होता है। तो अभी देखते हैं ये कैसा लग रहा है। ये आ गया हमारा टेक्स्ट एरिया। तो रोज जो होता है वो विड्थ को कंट्रोल करता है, कॉलम जो होता है वो ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लेंथ दिख रही है इसको कंट्रोल करता है। सो आई वॉन्ट कॉलम टू बी 100%, सो आई कैन राइट 100% है, और लेट्स से 95%, 95%, एंड वी रिफ्रेश द पेज। एंड यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमने इतना कुछ कर लिया, हमारे पास कुछ होना चाहिए कि हम फॉर्म को सबमिट कर सकें। तो आई वॉन्ट अ सबमिट बटन, तो इनपुट टाइप बटन एंड इट्स वैल्यू इज सबमिट।
लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक सबमिट. अभी कुछ सबमिट नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ वैसा ऐसे स्पेस नहीं दिया कि कहाँ पे जाके ये स्टोर होगा, तो वी कैन नॉट सबमिट इट. अगेन वी हैव वन मोर बटन, इनपुट बटन, रीसेट एंड वन ऑन क्लिक. ऑन क्लिक इक्वल्स टू रीसेट. आई होप मैंने सही लिखा है ये. रिफ्रेश, रीसेट. मैंने अपना नेम एंटर किया, जेंडर एंटर किया, ये किया, कुछ टेक्स्ट लिखा एंड आई प्रेस रीसेट. तो ये पूरा फॉर्म रीसेट हो गया. कूल राइट. यू कैन ऐड मैनी मोर थिंग्स लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल डिव लेबल टैग देना इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस. यू शुड गिव इट. मैंने कई डिव्स में ये लेबल टैग नहीं दिया, बट यू शुड गिव इट. ईमेल, ईमेल यहाँ पे भी br टैग देना था. br एंड वी राइट इनपुट. नो, हमें तो ईमेल देना था ना. इनपुट ईमेल, रिफ्रेश, वी कैन हैव आवर ईमेल हियर. आई नो हमारा फॉर्म अभी बहुत बेसिक लग रहा है, बट यू नो वॉट, जब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे तो यही फॉर्म बहुत सुंदर लगने लगेगा. आई होप दैट यू हैव लर्न समथिंग न्यू. इफ यू डिड देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. एंड टिल देन, बाय बाय टूडल्स.